ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए आपके पास तीन चीज़ों की जरूरत होती है। पहला, आपके पास कॉन्फिडेंस हो कैमरे के सामने बोलने का। दूसरा, आपका दूसरे लोगों नए लोगों के साथ इंटरेक्ट अच्छा हो। तीसरा, आपका बहुत पैसा हो। और ये तीनों चीज़ें मेरे पास नहीं। मैं बताता हूँ मेरी रूटीन क्या होती है। 3 बजे उठता हूँ, फिर फ्रेश होने चला जाता हूँ। फ्रेश होकर 10-15 मिनट में फ्रेश हो जाता हूँ। फिर मैं आता हूँ, कुरान पाक की तिलावत करता हूँ, फिर देखता हूँ। अम्मी, आपको किसी चीज़ में हेल्प चाहिए? नहीं बेटा, सब हो गया। ओके ओके। फिर मैं वेट करता हूँ 5 बजने का। जैसे 5 बज जाते हैं तो मैं अपने दोस्तों को कॉल करता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जानी पबजी का सीन नहीं है क्या? तो यार आओ ना, मैं कब से लॉबी में वेट कर रहा हूँ। यार मार वाले कहाँ हैं? हाँ चलो, हाँ चलो तुम आ जाओ जल्दी से, ठीक है? ओके ओके। फिर हो जाता है अफ्तारी का टाइम। अफ्तारी करते हैं, अफ्तारी के बाद सीधा चले जाते हैं नमाज पर। नमाज के बाद फिर थोड़ी चहलकदमी कर लेते हैं, तो क्योंकि कुछ बहुत कुछ खाया होता है ना, तो फिर दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत घूम लेते हैं, वॉक कर लेते हैं, ताकि थोड़ा पेट हल्का हो जाए। बस ये है मेरी रूटीन। और मैं आपको आज इतना कुछ दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि आपको पता है आज जो मेरे हिस्से के व्लॉग्स होंगे, मतलब जो उसी व्लॉग्स होंगे, वो आज के बाद इसी रूम में बनेंगे। क्योंकि लॉकडाउन है तो मैं कहीं बाहर जा नहीं सकता। अगर आपको देखना है तो देखें, वरना मिलते हैं अगले ब्लॉग में।